गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट वन ऑफ चैप्टर नंबर 5, इंडिगो। इंडिगो जो है वो वन टाइप ऑफ एक प्लांट है। आपने शायद देखा हो, इंडिका करके हेयर डाई आती है ना, तो वो जो इंडिका है वो इंडिगो में से बनता है। इंडिगो एक हेयर कलर करने के लिए एक प्लांट आता है, जिसकी डिमांड उस टाइम पे जब गांधी जी और कहते ना कि ब्रिटिशर्स के बीच, मतलब अंग्रेजों के बीच जब लड़ाइयाँ चलती थी, और उस टाइम पे इसकी बहुत डिमांड थी, और हमारे यहाँ पे इसकी खेती भी बहुत होती थी, तो इसमें बहुत सारी इनकम जो अंग्रेज थे उसमें इसमें से उनको मिलती थी। तो ये जो चैप्टर है उसके ऊपर है पूरा। और यहाँ पे जो पीजेंट मतलब क्या कि मजदूर जो होते हैं ना, खेती काम करते हैं और खेतों में मजदूरी करते हैं, ये जो पूरा चैप्टर है पूरा उनके ऊपर है कि किस तरीके से अंग्रेज जो थे वो उनको परेशान करते थे, किस तरीके से लूटते थे, दबाते थे, शोषण उसको करते थे उसका, ठीक ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे से एक, और ये एक इंसिडेंस भी कह सकते हैं गांधी जी की लाइफ का, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सत्याग्रह किए गए, तो उसमें से भी एक सत्याग्रह का एक इंसिडेंस एक ले सकते हैं एक टॉपिक इसमें से। लुइस फिशर 1896 to 1970 वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। He served as a volunteer in the British Army between 1980 and 1920. अब ये जो लुइस फिशर थे वो ऑलरेडी आर्मी में काम करते थे, तो उन्होंने ये पूरा जो है वो अपने, शायद हो सकता है कि अपनी आंखों से इंसिडेंस देखा हो और उन्होंने वो इंसिडेंस हमारे साथ शेयर किया है। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। वेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. तो बोल रहे हैं कि मैं जब 1942 में उनसे मिला तो उनका एक इंसिडेंस उन्होंने मुझसे शेयर किया, जो डिपार्चर 1917 में हमारे साथ एक जो है एक 1970 का एक इंसिडेंस, चलो मैं आपसे एक शेयर करता हूँ कि क्या हुआ था। He had gone to the December 1960 annual convention. तो बोलते हैं कि गांधी जी जो है 1960 में एनुअल कन्वेंशन, कांग्रेस, वो पता है ना सबको कि वो कांग्रेस की पार्टी उन्होंने बनाई थी, तो अपनी कुछ पार्टी के काम से 1960 में, वो दिसंबर 1960 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ गए थे कुछ कांग्रेस की पार्टी के काम के अकॉर्डिंग। देयर वेर 2,301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। अब ऑब्वियसली उस टाइम पे जब गांधी जी का भाषण होता था तो उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते, जब भी उनको लेक्चर या भाषण देना होता था तो उनके लिए बहुत बड़े मैदान में अरेंजमेंट किया जाता था, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक उनको सुनने के लिए आती थी। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अप Peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. अब ऐसे में वहां पे एक peasant भी था राजकुमार शुक्ला करके, और वो गांधी जी से मिलता और कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, और मैं चंपारण से हूँ, और मैं आपको चंपारण बुलाने के लिए आया हूँ। गांधी had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. और गांधी जी ने कभी चंपारण का नाम ही नहीं सुना था, बोले ये कहाँ पे, बट यहाँ पे लिखा है कि वो कहाँ पे, तो बोले foothills of the towering Himalayas, हिमालय की जो तलेटी उसका जो towering बोलते हैं ना, Himalayas foothills में एक छोटा सा district बोल सकते हो, गांव बोल सकते हो, वहाँ पे ये located है चंपारण करके, near the kingdom of Nepal. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them.
ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट. अब चंपारण में जो पीजेंट थे वहाँ पे शेयर क्रॉपर, मैंने बोला ना भाग्या कहते हैं, किसी किसी को पता होगा भाग्या, कि खेतों में मजदूरी करते हैं. तो राजकुमार शुक्ला जो थे उसमें से एक थे, एक पीजेंट थे, बट वो इलिटरेट थे बट रिजोल्यूट फाइटर भी थे, वो अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड somebody had probably said speak to गांधी.